नो पेनेट्री की तरफ से जो मुझे यहाँ पे लिमिट मिली है पूरे 5,000 रुपए की लिमिट मिली है। किसी प्रकार की बैंक स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप की मेरे को यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ पैन कार्ड आधार कार्ड के ऊपर मुझे यहाँ पे जो लिमिट मिली है 5,000 की लिमिट मिली है। 1,000 से लेके 1,00,000 रुपए तक की लिमिट आप इस एप्लीकेशन से यहाँ पे ले सकते हैं, वो भी सिर्फ पैन कार्ड आधार कार्ड की मदद से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 5,000 की लिमिट मिली है तो आप इस लिमिट को कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद आप जैसे ही मैं बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो आप इसके लिमिट को यहाँ पे ऑनलाइन प्रोसेस से कहीं पे भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है, अगर आप यहाँ से शॉपिंग करना चाहते हो इस लिमिट से, तो आप इस लिमिट से यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं और आसान EMI में इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। जो आपकी यहाँ पे EMI बनेगी 3 मंथ से लेकर 9 मंथ तक की आपकी यहाँ पे EMI बनने वाली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपके यहाँ से वॉच की जरूरत है तो वॉच मंगवा सकते हैं, अगर आपको फर्नीचर की जरूरत है तो फर्नीचर मंगवा सकते हैं। तो यहाँ पे काफी सारे यहाँ पे इनके प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल है, आप यहाँ से कुछ भी मंगा सकते हैं और आसान EMI में इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो बूट के जो हेडफोन आपको दिख रहे हैं तो इसको आप यहाँ से कैसे परचेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रोजी पे का ऑप्शन आ चुका है, तो उसके बाद यहाँ पे EMI का ऑप्शन आएगा। अगर आपकी यहाँ पे जो आपके कोई भी प्रोडक्ट अगर 2,000 का 3,000 का है तो आप उसको 1 मंथ से लेकर 9 मंथ तक यहाँ पे EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं और एक्सियो से आपकी जो लिमिट है वहाँ पे डेबिट कर दी जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं, वेट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं और नीचे करता हूँ। तो अगर मुझे ये वाले हेडफोन को मंगवाना है तो मुझे इसी वाले हेडफोन पे यहाँ पे टैप करना पड़ेगा। तो जैसे मैं इस वाले हेडफोन पे आपको टैप करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो जैसे मैं इसको यहाँ पे टैप करता हूँ तो यहाँ पे काफी सारे हेडफोन आ रहे हैं। तो मैं ये वाला जो हेडफोन है इसको यहाँ पे टैप करके आपको दिखाऊंगा कि इस वाले हेडफोन को आप यहाँ पे कैसे ले सकते हैं। तो जैसे मैंने इस वाले हेडफोन को यहाँ पे क्लिक किया तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी थोड़ी सर्विस यहाँ पे डिले चल रही है। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे बैक करता हूँ तो यहाँ लीव के जो हेडफोन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो जैसे मैंने लीव के हेडफोन यहाँ पे क्लिक किया तो 1699 रुपए की ये लीव के हेडफोन यहाँ पे दिख रहे हैं। तो उसके बाद मुझे यहाँ पे बाय इट वाले नाउ पे क्लिक करना है। तो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें फिर से वेट करना पड़ेगा। वेट करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे डिस्काउंट कूपन भी यहाँ पे लग रहा है। तो उसके बाद आपको व्यू ऑफर पे क्लिक करना है। तो व्यू ऑफर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो डिस्काउंट कूपन है इसको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो आप यहाँ से जैसे इसको अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं 300 रुपए मेरे यहाँ पे पूरे तरीके से यहाँ पे माइनस हो चुके हैं। तो उसके बाद 300 रुपए यहाँ पे मोबाइल नंबर को मुझे यहाँ पे एंटर करना है। तो जैसे मैं अपना मोबाइल नंबर को यहाँ पे एंटर करता हूँ, एंटर करने के बाद मेरे मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। तो OTP आने के बाद यहाँ पे पिन कोड मांग रहा है, तो मैं अपना पिन कोड यहाँ पे अवेलेबल कर देता हूँ। तो जैसे मैंने अपना पिन कोड को यहाँ पे अवेलेबल किया तो उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है कि मुझे अपना सिटी डाल दिया, स्टेट डाल दिया, फुल नेम डाल दिया, ईमेल एड्रेस मुझको डालना है। उसके बाद मुझे यहाँ पे हाउस नंबर डाल के कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और जैसे मैं कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो वहां से काफी सारे ऑप्शन यहाँ पे निकल के आ जाएंगे, फोन पे, गूगल पे, ATM कार्ड या कुछ भी आपकी। तो उसके साथ में आपको एक ऑप्शन दिखेगा Axio EMI कार्ड का। तो आपको Axio EMI कार्ड वाले ऑप्शन पे टैप करना है। जैसे आप Axio EMI वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे तो आपको वहाँ पे 3 मंथ की 6 मंथ की 9 मंथ की EMI यहाँ पे शो कर देगा। तो आप उसके जरिए जो आपको वहाँ पे EMI अपने मतलब की जो भी आपको वहाँ पे ठीक लगता है या 3 मंथ 6 मंथ 9 मंथ आप उसको करके और Axio Buy Now Pay Later की लिमिट वहाँ से कट जाएगी। क्योंकि अभी मुझे इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है तो मैं अभी इसको यहाँ पे लेकर नहीं दिखाने वाला, क्योंकि अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं 300 रुपए का यहाँ पे माइनस भी यहाँ पे हो चुका है। तो उसके बाद मैं फिर से यहाँ से इसको बैक करता हूँ। बैक करने के बाद मैं आपको यहाँ पे फिर से दिखा रहा हूँ कि जो लीव के हेडफोन आ गए, ऐसे करके आप यहाँ से जो हेडफोन या मोबाइल भी ले सकते हैं, कोई फर्नीचर खरीद सकते हैं, तो आसान EMI में कन्वर्ट करके यहाँ पे पे कर सकते हैं। उससे पहले आप अपने पिन कोड को यहाँ पे अवेलेबल कर सकते हैं। पिन कोड को जैसे ही अवेलेबल करेंगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि जो ये जो परचेज है आपके यहाँ पे मतलब की पिन कोड पे अवेलेबल है, वहां से जाके आप इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी होती है वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।